यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया और 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। डीएमएस राजलिंगम ने गुंडा एक्ट लगाया है 11 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों में, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में ये गुंडा एक्ट लगाया गया 11 लोगों पर। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया और 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। डीएमएस राजलिंगम ने गुंडा एक्ट लगाया है 11 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों में, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में ये गुंडा एक्ट लगाया गया 11 लोगों पर। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया और 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। डीएमएस राजलिंगम ने गुंडा एक्ट लगाया है 11 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों में, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में ये गुंडा एक्ट लगाया गया 11 लोगों पर। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया और 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। डीएमएस राजलिंगम ने गुंडा एक्ट लगाया है 11 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों में, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में ये गुंडा एक्ट लगाया गया 11 लोगों पर। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया और 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। डीएमएस राजलिंगम ने गुंडा एक्ट लगाया है 11 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों में, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में ये गुंडा एक्ट लगाया गया 11 लोगों पर। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 11 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया और 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। डीएमएस राजलिंगम ने गुंडा एक्ट लगाया है 11 लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों में, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और ऐसे में ये गुंडा एक्ट लगाया गया 11 लोगों पर।